यह सुसमाचार जिसका अंग्रेजी शीर्षक द कॉन्टेस्ट और हिंदी शीर्षक प्रतिरोध है, इसे 20वीं शताब्दी के भविष्यद्वक्ता व हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रैनहम ने 31 दिसंबर 1962 को ब्रैनहम टैबरनेकल जेफरसनविले इंडियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार किया था। हिंदी अनुवाद व आवाज क्रिस्टोफर मैसी की है। Wonderful Lord, how sweet it is to trust Him. उसकी बातें बुद्धि व समझ से परे हैं, क्या नहीं है? हमारा प्रभु कितना अद्भुत है और उस पर भरोसा करना कितना मधुर है। I'm just sure you've had a wonderful time tonight. मुझे विश्वास है कि आज रात आपने यहाँ आकर और वचन सुनकर बड़ा अच्छा समय बिताया है। Just opening the door there a few moments ago and hearing Sister Gertie sing that old song. Keep holding on. Just one more hour. अभी कुछ क्षण पूर्व वहाँ द्वार खोलते ही गीत की ध्वनि सुनाई दी, एक घड़ी भर और थामे रहो विश्वास को, एक घड़ी भर और। बहन गर्टी इसको गा रही थी। Brought back memories of my little church when it was just before I left the other time to go into the fields of mission work. इससे मुझे उन दिनों की याद आई जब मेरा ये आराधना भवन छोटा सा था और मैं सेवकाई के काम के लिए बाहर दूसरे स्थानों में निकल गया था। I'm looking now at a seek God first here in front across this old beam. इस पुराने शैतीर के उस पार मैं उस चित्र को देख रहा हूँ जिसका शीर्षक है पहले प्रभु की खोज करो। I remember Sandy Davison painted that on there about 25 years ago. मुझे याद पड़ता है कि इस चित्र को भाई सैमी डेविडसन ने लगभग 25 साल पहले वहाँ बनाया था। On the other side, I think it's got, where will you spend eternity? Think. इसके दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ कि आप अनंत जीवन में हैं, किस जगह होंगे सोचिए, नामक चित्र बना है। Right here was a woman at the well, Daniel in the lions. और ठीक यहाँ इधर कुएं पर एक औरत और उधर शेरों की मांद में दानियल आदि विषयक चित्र हैं। Oh my. Many things has happened since then. हे प्रभु, तब से अब तक कितना कुछ नया हो गया है। Just about 5 o'clock this afternoon, I got an emergency call to come about 30-40 miles down the country here. आज दोपहर बाद लगभग 5 बजे मुझे 30-40 मील दूर इसी शहर के पास में एक आपात सूचना मिली। Of a dying woman and a very precious friend, Georgie Carter's mother. हमारे एक अत्यंत मूल्यवान भाई जॉर्जी कार्टर की माँ मृत्युशैया पर थी। And I knew there was plenty of ministers here to hold till I got back. मुझे पता था कि वहाँ पर सभा की कार्यवाही संभालने के लिए अनेक सेवकगण यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक मैं वहाँ जाकर लौटूंगा यहाँ का काम ठीक प्रकार चलता रहेगा। Edith has been very bad too. एडिथ की दशा बहुत गंभीर थी। And while we were there, the Lord God moved on the scene. जब हम वहाँ थे तो प्रभु हमारे पास आ पहुँचा। And Sister Carter is a long way from dying. So we're grateful for that. और बहन कार्टर को मृत्यु के उस पथ से बचाकर प्रभु लौटा लाया। हम प्रभु के बड़े आभारी हैं। And now it's getting time for communion service pretty soon. I think it's about 12 o'clock when they go to. और अब शीघ्र ही प्रभु भोज लेने का समय भी आता जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि शायद 12 बजे के लगभग ये रस्म अदा की जाएगी। What time have you designated to give it? आपने उसके लिए क्या समय तय किया है? Just any time. How many is to take communion tonight? Let's see your hands. That's all. That's wonderful. अच्छा, कोई भी समय। कितने लोग प्रभु भोज लेना चाहते हैं? कृपया हाथ उठाकर बताएं। ओ, इतने लोग, बहुत अच्छी बात है। All right. I want to speak just a word or two. Maybe I'll lay my watch out here for about 10 minutes, 15. We'll start communion. ठीक है, मैं एक दो शब्द बोलना चाहूंगा। मैं अपनी घड़ी यहाँ सामने रख रहा हूँ और बस 10 या 15 मिनट का समय लूंगा और उसके बाद हम प्रभु भोज शुरू करेंगे। Now, do you love him? Amen. अब क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आमीन। And I know you've had a great time, haven't you? मैं जानता हूँ कि आज प्रभु की उपस्थिति में आपने अद्भुत समय व्यतीत किया है, क्या ऐसा नहीं है? Well, if you're a brother Thomas kid and sister kid,
all the way down from Ohio. क्या यहाँ पर भाई थॉमस किड और बहन किड ओहियो से इतनी दूर से आए हुए हैं? I guess they've been up. Oh, that's fine. I hope it's on tape and I'll get it. मैं सोचता हूँ कि वे लोग ऊपर के प्रांत में हैं। ये एक अच्छी बात है। मेरा विचार है कि इस समय जो वचन प्रचार किया जा रहा है उसको टेप में रिकॉर्ड किया जा रहा है। You know, they don't give up. They're just a few days under 100, that's what keeps me courageous is to see people like that. आप देखिए कि वे दोनों कुछ ही दिनों में 100 वर्ष की आयु के हो जाएंगे, लेकिन इस उम्र में भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। इस तरह के लोगों को देखकर मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। Think I'm an old man and before I was born he was preaching the gospel. And then here I am an old man. जरा सोचिए कि अब मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे जन्म से पूर्व से ये दोनों भाई वचन प्रचार करते चले आ रहे हैं। And they, if they can't get out and make their voice ring out, अब इस उम्र में वो बाहर लोगों के पास जाकर वचन तो नहीं सुना पाते। They just take a tape recorder and go from hospital house to house preaching the gospel. That's mighty fine. Amen. पर वे लोग अपना टेप रिकॉर्डर लेकर घर घर और विभिन्न अस्पतालों में जाकर प्रभु का वचन सुनाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। आमीन। I'm sure happy for them and for all those who's anticipated and this the service is here. मैं वास्तव में उन दोनों और अन्य सभी के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ जो इन सभाओं में आने वाले हैं। Now remember, we'll announce it now, the Lord willing, just as soon as the church is finished, which they claim will be about the 10th of February. अब याद रखिएगा कि अगर प्रभु चाहेगा तो हम इस सभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अगली सभाओं की तिथियां घोषित करेंगे, जिनकी अनुमानित तारीख 10 फरवरी के आसपास होगी। Well, we're the Lord willing, we want to take at least 8 or 10 days or maybe 2 weeks on those 7 seals of Revelations. प्रभु की इच्छा रही तो हम 8-10 दिन या हो सकता है कि 2 सप्ताह तक का समय 7 मोहरों के प्रकाशन के प्रचार में लेंगे। And we'll send out cards to our visiting people from around, from home here. और इससे पहले हम यहाँ से लोगों को जो आसपास से आने वाले हैं कार्ड जारी करके तारीख सूचित कर देंगे। And let them know plenty time ahead, so if they take an ocean to come, well, we sure be glad to have you here. ताकि लोगों को काफी समय पहले से सूचना मिल सके और वे आना चाहें तो सरलता से आ सकें। हमें बड़ी खुशी होगी जबकि आप लोग यहाँ आएंगे। And maybe the Lord will give us another display of His presence like He did the last time when we got through the 7 church ages. और संभव है प्रभु हमें अपनी दिव्य उपस्थिति का एक बार फिर से उसी तरह आभास देगा जैसा उसने पिछली बार किया था जब हमने 7 कलीसियाई कालों का अध्ययन किया था। You ever want to pray for somebody? Well, remember me all the time because I'm one who really needs it. आप भी किसी न किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो मुझे हर समय अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए क्योंकि मुझे ही प्रार्थनाओं की वास्तव में जरूरत है। Now, I'm kind of ashamed myself to take up these 10-15 minutes here to say a little something before we start, but let's bow our heads just a moment. अब मैं खुद भी इन 10-15 मिनटों के समय के लिए शर्मिंदा सा हूँ जो मैंने वचन प्रचार करने से पूर्व बर्बाद किए हैं, लेकिन आइए अब कुछ क्षणों के लिए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। Lord Jesus, oh, the battle will be over someday. प्रभु यीशु, प्रभु एक दिन आवेगा जब हमारा ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। And there will be no more sick to be prayed for, and there will be no more sinners to repent. और तब कोई भी बीमार जन न होगा जिसके लिए प्रार्थना करनी पड़े और पश्चाताप करने के लिए कोई पापी जन भी बाकी न रहेगा। But Father, while this day is what it is, let us work while we have light to work in, for the hour cometh when no man can work. लेकिन पिता, आज के ये दिन जो हैं, इसमें हमें काम करना है जब तक कि प्रकाश है, दिन है, क्योंकि फिर रात का समय आएगा जिसमें कोई काम न कर पाएगा। Now for just a few moments, Lord, I'd feel bad if I did. I closed off this year without saying a few more words. अब प्रभु, बस थोड़े से शब्द बोलने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि वर्ष की समाप्ति के समय अगर मैंने कुछ न कहा तो ये मुझे अच्छा न लगेगा। Help me, Father, I pray, and I might say something that would plant courage in the heart of Thy people.
हे पिता मेरी सहायता कीजिए कि जो वचन मैं कहूँ वह तेरे लोगों के हृदय में वचन के प्रति हिम्मत और दिलेरी पैदा कर सके. That we could leave here tonight after taking the communion and we realize that in the communion there is strength. और आज रात जब प्रभु हम प्रभु भोज लेने के बाद वापस जाएं तो ये मान सकें कि तेरे संग इस भोज से हमें शक्ति और सामर्थ्य मिली है. Israel took the communion first down in Egypt and walked 40 years without their shoes wearing out or their clothes getting threadbare. इजरायली लोगों ने पहली बार मिस्र में ही प्रभु भोज लिया था और 40 वर्षों तक जब वे जंगलों में चलते रहे तो ना तो उनके जूते और ना ही वस्त्र फटे. And out of 2 million people, there wasn't a feeble one among them when they come out of the wilderness. और उन 20 लाख लोगों में से जो जंगल में भटकते रहे थे एक भी ऐसा मनुष्य न था जो दुर्बल हो. Lord, let us remember that tonight as we approach this great hour. In Jesus' name we pray. Amen. प्रभु होने दीजिए कि हम इन बातों को याद रख सकें जबकि आज रात हम तेरे भोज में शामिल होने के महान क्षणों में प्रवेश करते हैं. हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. If I should speak the context that I had wrote down that I was going to start on this afternoon, we'd be here at 5 o'clock in the morning. अगर मैं इस समय प्रचार के लिए उस विषय को चुन लूं जो यहाँ मैंने लिख कर रखा है और जिसे मैं आज दोपहर बाद प्रचार करने वाला था तो हमें इसी तरह बैठे बैठे सुबह के 5 बज जाएंगे. But I want to read just a word from, thank you, from Ephesians the 6th chapter, 12th verse. And just for a few moments now, for courage. किंतु मैं इस समय बस थोड़ा सा वचन पढ़ना चाहता हूँ. इफिसियों 6:12 में से थोड़ी देर के लिए हम ये वचन पढ़ें. ये हमारे साहस को बढ़ाएगा. For we wrestle not against flesh and blood. क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं. But against principalities, against powers. परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है. Against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. Spiritual wickedness in high places. आकाश में दुष्टता की आत्मिक सेनाएं. And I'd like to draw from that a little 10 or 15 minutes context or text rather. I want to call it the contest. इसमें से मैं 10 या 15 मिनट के लिए वचन प्रचार हेतु एक विषय चुनना चाहता हूं और उसका शीर्षक रखना चाहता हूं प्रतिरोध या मुकाबला. A contest is a test of strength. एक प्रतिरोध या लड़ाई शक्ति का परीक्षण समझी जाती है. And we test strength. और लड़ाई से हम अपनी शक्ति को आंकते हैं. We used to have the Indians used to put a fire. रेड इंडियन लोग अपने बीच में आग का अलाव जलाते हैं. And they would put so many men on this end of the rope and so many on this end. और एक बड़े रस्से के दोनों सिरों पर काफी लोग खड़े हो जाते हैं. And the tug of war, the contest of strength would pull the losing party across the fire. और फिर रस्सा कशी का खेल शुरू होता है और बलवान दल कमजोर को आग के इस पार खींच लेता है और खींच लिया जाने वाला पक्ष हार जाता है. And now we know there's many things and we could base this upon for a few minutes of contest. और इसी प्रकार की बहुत सी बातें हैं जिनसे हम प्रतिरोध की बाबत काफी समय तक बातचीत कर सकते हैं. But I want to speak for these minutes quickly upon the greatest contest there is, that's between the church and Satan. लेकिन इन क्षणों में मैं अति शीघ्रता से उस बड़े प्रतिरोध के बारे में बताना चाहता हूँ जो कलीसिया व शैतान के मध्य चल रहा है. That great strength of Satan. शैतान की उस बड़ी शक्ति के बारे में है ये. And we want to speak of the great strength of God in His church. और मैं परमेश्वर की महान सामर्थ्य के बारे में जो उसकी कलीसिया में है बताना चाहता हूँ. Now, this great contest has been going on for many years. ये लड़ाई या प्रतिरोध अनेकों वर्षों से चला आ रहा है. It started in heaven, and Satan was kicked out into the earth. ये स्वर्ग में शुरू हुआ था और शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया गया था. And then he became an enemy to God's
people. तब से वह परमेश्वर के लोगों का शत्रु बन गया. And since then he's used all of his strength and his strategy to try to pull God's people across the fires or into his fires. और उसके बाद से उसने अपनी शक्ति भर और सभी प्रकार की नीतियां अपनाकर परमेश्वर के लोगों को आग के उस ओर वरन अपनी आग में खींचना चाहा है. And we know that who has the most power? God does. और हमें पता है कि दोनों में शक्तिशाली कौन है. परमेश्वर महान सामर्थी है. Amen. And God, when he gave his people the best thing that he could to combat Satan with was his word. और परमेश्वर ने अपने लोगों को जो सबसे बढ़िया चीज शैतान का मुकाबला करने के लिए दी थी वह उसका वचन था. Now because the word is God and who's stronger than God? अब चूंकि वचन स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर से बलवान कौन है. So the word is God and the word becomes our strength. अतः वही वचन जो स्वयं परमेश्वर है हमारी सामर्थ और बल बन जाता है. God in the church becomes his strength to pull Satan to his own fires. Amen. That he has made. And the tug goes on. और शैतान को उसी की अपनी आग में ढकेल देता है और इसी प्रकार रस्सा कशी जारी रहती है. Now, Jesus said in Mark 16, in my name they shall cast out devils. अब देखिए कि मरकुस 16 में यीशु ने कहा था कि मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे. Now, I know that's an old saying that people, or there is an old saying that, and it's not so old either. अब मुझे पता है कि ये बातें लोगों को कहानियां सी लगती हैं. लोग इन्हें दंत कथाएं मानने लगे हैं, मगर ये बातें इतने पहले की भी नहीं हैं. People don't believe in demons in this day. लोग आज राक्षसों व शैतानी दानवों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते. But the thing to do, to my opinion, is know your enemy. लेकिन मेरे विचार में आपको अपने शत्रु के बारे में जानकारी होनी चाहिए. And know your enemy and train for the contest that you're going to have when you meet him. Because you're going to meet him. आपको उसके संबंध में ज्ञान होना जरूरी है ताकि आप उससे लड़ने की तैयारी कर सकें. क्योंकि आपका सामना उससे होना जरूर है. And know him, know is know what his strength is, and then train for this contest when you do meet him. आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी शक्ति है और फिर उसके लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि आप उसका मुकाबला कर सकें. For it's one thing sure, you're going to meet him. क्योंकि यह बात निश्चित है कि आपको उससे लड़ना होगा. And so you train for the contest. अतः आप उस प्रतिरोध या मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं. Now, training for a contest is just like a boxer. अब देखिए कि मुकाबले के लिए प्रशिक्षण वैसा ही है जैसा एक बॉक्सर या मुक्केबाज करता है. His enemy that he's going to meet out there in a contest to fight. वो ये देखता है कि उसका शत्रु जिससे उसका मुकाबला होने जा रहा है वो कैसा है. A real good fighter usually knows and studies his opponent. एक अच्छा मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी का पूरी तरह से अध्ययन करता है. Studies his licks, knows where he fights for. और वो देखता है कि उसकी कमजोरी क्या है और वो किस जगह पर वार करने में तेज है. Where he leans forward, hangs back. Fights right-handed or left-handed. और वो ये देखता है कि क्या वो आगे झुककर या पीछे को झुककर सीधे हाथ से या बाएं हाथ से वार करता है. He studies all this, and then if he's a good, smart fighter, he gets him a sparring partner that'll fight just like his opponent fights. वो इन सब बातों का अध्ययन करता है और तब यदि वो वास्तव में चतुर और तेज मुक्केबाज है तो अपने लिए एक साथी चुनता है जो उसके शत्रु की तरह से लड़कर उसका अभ्यास करवा सके. For he'll know all his licks when he gets to that place. इतना वो जब कर लेगा तो उस मुकाबले के समय उसको उसके कमजोर पक्ष का पता रहेगा. I think that's a very good thing for Christians to do. That's right.
और मैं सोचता हूँ कि मसीही लोगों के लिए इस तरह का अभ्यास करना एक अच्छी बात है, यह ठीक है। And now if you want to start training, start with John 3:16, the golden rule. और अगर आप अब प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो ठीक यूहन्ना 3:16 में कही गई सुनहरी पंक्तियों से शुरू करिए। Start right out with that and that'll get you on the floor. इसी से अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए और आप स्वयं को प्रतियोगिता स्थल पर पाएंगे। And then train for the knockout punches. और उसके बाद विपक्षी को हराने के लिए दाव पेंच सीखिए। Because you're going to have to use them. Everybody knows that. क्योंकि सभी जानते हैं कि आपको इन आक्रमणों का प्रयोग करना पड़ेगा। You have to train to hit your enemy. आपको ये सीखना है कि शत्रु पर किस तरह से हमला किया जाए। Always God uses His word. We must remember that God uses His word to defeat His enemy. और ये याद रखिए कि परमेश्वर वचन के द्वारा शत्रु का सामना करता है। वह वचन ही से शत्रु को पराजित करता है। If God could think or could have give His people anything better to defeat the enemy with, He would have done it. अगर परमेश्वर अपने लोगों को शत्रु का सामना करने के लिए वचन के अलावा कुछ और बेहतर दे सकता तो दे देता। So as I have always said, अतः जैसा कि मैंने भी पहले कई बार आपको बताया है, when God makes a decision, that's the best that there is. He never has to alter His decisions. कि परमेश्वर का पहली बार का निर्णय ही सर्वोत्तम होता है, उसे अपने फैसले बदलने नहीं पड़ते। So the first decision God gave His people in the Garden of Eden to combat the enemy was His word. अतः अदन की वाटिका में परमेश्वर ने शत्रु का मुकाबला करने के लिए जो हथियार दिया था वो वचन ही था। They were fortified with His word. उनको सुरक्षा के लिए वचन दिया गया था। And now the enemy is going to study our strategy with the word. और अब शत्रु भी हमारी युद्ध योजना जो वचन से जुड़ी है उसका अध्ययन करता है। And now Satan studied that all out so perfectly that when he come to Eve, और देखिए कि शैतान सारी बातों का इतनी बारीकी से अध्ययन करता है कि जब वो हव्वा के पास आया, he had the best strategy he could use upon her, and that was to reason with the word. तब उसके पास हव्वा को बहकाने के लिए वचन पर तर्क करने का बेहतरीन हथियार था। Now you never want to reason with God's word. Just believe him. देखिए कि आपको परमेश्वर के वचन पर विवाद नहीं करना है, वरन उस पर केवल विश्वास करना है। Don't try to explain it. Don't try to figure it out. उस वचन का अर्थ या उसका सारांश नहीं निकालना है। Now you cannot figure out God, so God is the word and it's just made to believe. आप परमेश्वर को जो कि स्वयं वचन है संक्षिप्त नहीं कर सकते या उसकी विवेचना नहीं कर सकते। And that's our strength. Just accept the word. और उस पर विश्वास करना ही हमारी सामर्थ है, उस वचन को हमें ग्रहण करना है। And anyone knows that a seed in the right kind of ground will produce its kind. और सभी जानते हैं कि सही भूमि पर गिरा बीज अपनी जाति के अनुसार सही फल लाता है। And we just take the word. अतः हम केवल वचन को ग्रहण करते हैं। And now Eve began to stop to reason when she quoted the word to him. देखिए कि जब शैतान ने उससे संपर्क किया तो हव्वा वचन पर तर्क करने लगी। God said you should not eat thereof, for the day you eat thereof, that day we die. परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसका फल न खाना, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तो मर जाओगे। And Satan never disagreed with her. He said, Certainly, that's right. और शैतान उसके साथ असहमत नहीं हुआ और उसने यही कहा कि वास्तव में तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, सत्य है। But he said, you see, you need some new light, something a little different from what God said. लेकिन उसने ये भी कहा कि तुमको और प्रकाशन की जरूरत है, तुमको उससे कुछ अधिक जानना चाहिए जो परमेश्वर ने कहा है। And if you do it, you'll be just a little smarter. Your eyes will be open. और अगर तुम चाहो तो तुम अधिक होशियार और ज्ञानवान हो जाओगी और तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएंगी। But she said, well, God said we would die. लेकिन हव्वा ने यही कहा कि ऐसा करके हम मर जाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है। He said, oh, surely. इस पर शैतान ने कहा तुम निश्चित न मरोगे। See, there you come. Just that much. Surely you won't die, but God said you would. And that settles it.
देखिए कि परिणाम ये निकला कि शैतान ने कहा तुम निश्चित न मरोगे, परंतु परमेश्वर ने कहा था कि मर जाएंगे, और इतना कहना काफी था. And that broke that great tug of war then and pulled the whole human race into death. Because Eve listened to a reasoning against God's word. देखिए कि इस प्रकार हव्वा ने परमेश्वर के वचन के प्रति विवाद करके और वचन विरुद्ध शैतान का तर्क सुनकर समस्त मानव जाति को मृत्यु में ढकेल दिया. Now, it's a shame that she did it, but it's done fast. ये बड़ी शर्मनाक बात थी कि हव्वा ने ऐसा किया था, लेकिन ये तो अतीत की बात है. But now we're still fortified in that. Link was made up in Christ Jesus. We know that. लेकिन आज फिर हम वचन की सुरक्षा में हैं और मसीह यीशु के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर से फिर जुड़ गया है. God gave us our best defense, just simply to trust His word. परमेश्वर ने फिर से हमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिरक्षा कवच दिया है, और वो है उसके वचन पर विश्वास करना. You know, and many say today that there is no such a thing as a devil. आप जानते हैं, जैसा कि बहुत से लोग आज कहते हैं कि शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती. They believe that it's just simply a thought. They believe that. वे लोग सोचते हैं कि ये बस एक विचार है. लोग ऐसा ही सोचते हैं. And there's people that believe that if the Holy Spirit is a good thought and if the devil is a bad thought. और ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक अच्छा और शैतान एक बुरा विचार है. But if you notice when the Bible speaks of the Holy Spirit, he said, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि पवित्र आत्मा के संबंध में वचन में कहा गया है, यीशु ने कहा था, when he the Holy Spirit has come and he's a personal pronoun. See? कि जब पवित्र आत्मा आएगा, यहाँ पर देखिए कि वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है. So he is a person. तो वह कोई व्यक्ति है. And the devil is a person. And demons are persons. और शैतान भी व्यक्ति है और दानव भी व्यक्ति हैं. Amen. Yes, they are demons. And they come in many ways. जी हाँ, वो राक्षस भी व्यक्ति ही हैं और वे कई तरह से आते हैं. But they think it's an old fashion idea. लेकिन लोग यही सोचते हैं कि ये एक पुराना विचार है. A man was arguing me here a few weeks ago. He said, अभी कुछ सप्ताह पहले एक शख्स मुझसे बहस कर रहा था. उसने कहा था, you know what you do? You just set those people's mind to thinking something when you tell them that thing. It's just a change of thought. आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं? आप लोगों को कोई बात कहते हैं और उनके दिमागों में उस बात को इस तरह से बिठा देते हैं कि लोग उसे ठीक मानने लगते हैं, और इस तरह से आप उनके विचारों को बदल देते हैं. I met that very same thing in India one time when those holy men. और इस प्रकार की घटना उस समय घटी थी जब मैं भारतवर्ष में गया था और उन धर्म के सेवकों से मिला था. There where we had, I believe the largest audience I ever spoke to in one standing audience to be a 500,000 people. और वहाँ पर उस समय एक सभा में लगभग 500,000 लोग होंगे, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी बड़ी सभाओं में से एक रही होगी. And I caught it by discernment in the spirit. और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा उस सभा में लोगों के मनों के गुप्त भेद प्रकट करने लगा. And they would see the Holy Spirit call people. And call them out into the audiences and tell different things. सभी लोग देख रहे थे कि पवित्र आत्मा लोगों के बारे में तरह तरह की बातें बता रहा था. And catching their thought, the rajahs and the holy man. और उनके मस्तिष्क के विचारों को प्रकट कर रहा था उस सभा में राजकीय वर्ग के लोग और धर्मों के धर्म अध्यक्ष सभी उपस्थित थे. They said he's reading their mind. और उन लोगों ने ये देखकर यही कहा कि ये व्यक्ति लोगों का मस्तिष्क पढ़ रहा है या माइंड रीडिंग कर रहा है. So, a few moments, about 5 or 6 had passed through the prayer line. प्रार्थना पंक्ति में उस समय 5 या 6 जन गुजरे होंगे. And a blind man come through. And he was totally blind. जबकि एक अंधा व्यक्ति मेरे सामने आया जो कि पूर्ण रूप से अंधा था. And his eyes were as white as my shirt. और उसकी आंखें मेरी इस कमीज की तरह से पूरी सफेद थीं.
And I said, now here is a blind man, anyone can see he's blind. तब मैंने कहा कि यहाँ एक अंधा व्यक्ति है जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो अंधा है. Now, sir, if I could help him, I would do so. मैंने कहा कि अगर मैं उसके लिए कुछ कर सका तो जरूर करूंगा. But the only way I could do would be by a gift to maybe say something that he has done. लेकिन ये तो परमेश्वर के उस वरदान के द्वारा ही हो सकेगा जो मुझे ये बता सकेगा कि इसने क्या किया है. And that would give thought that if God knows what he has done, he certainly will know what he's going to do. और अगर परमेश्वर का ये वरदान मेरे द्वारा अगर ये बता सका कि इसने क्या किया था तो वो ये भी बता सकेगा कि आगे क्या किया जाने वाला है. So, I said now, looking at him, I said, now he's a worshipper of the sun. He's been blind 20 years. और उस आदमी की ओर देखकर मैंने कहा कि यह सूर्य की पूजा करता रहा है और पिछले 20 वर्षों से ये अंधा है. And when the interpreter said it, that was right. मेरी बात को जब अनुवादक ने कहा तो पता चला कि ये बात सत्य थी. I said he's a married man. His wife is rather small and he has two sons, one about 7, 1, 9. और मैंने आगे कहा कि ये शादीशुदा है और इसकी पत्नी कम आयु की है और इसके पास 7 और 9 वर्ष के 2 पुत्र भी हैं. That was exactly right. Call their names, what it was. और उनके नाम भी मैंने बता दिए और सारी बातें सच निकली. Then out in the audience, in the place where the people were, there come that wave in. तब सभा के मध्य में से एक लहर सी उठी और लोगों में से कुछ ने कहा, It's mental. It's something on the order of a psychic reading of their mind. कि यह तो मस्तिष्क अध्ययन है और मनोअध्ययन के द्वारा ये शख्स सारी बातें बता रहा है. Then I thought, Lord, if you just help me, I need your help, Lord. तब मैंने सोचा, प्रभु मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए. These people are trying to class this a telepathy. And it's not. And you know it, Lord. ये लोग आपके इस वरदान को टेलीपैथी की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि प्रभु आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है. Yet I've given the scripture that Jesus said he did nothing till the Father showed him. फिर भी मैंने उन्हें वचन में से बताया कि यीशु मसीह तब तक कुछ भी न करता था जब तक कि वो पिता को करता देख न ले. And then turning to look at the man again, I saw him just above there in a vision with just as good eyes as I am. I thought, now is the time. और तब मुड़कर जब मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा तो दर्शन में उसको एक ठीक अपनी तरह की आंखों वाला आदमी पाया और मैंने सोचा कि यही ठीक समय है. I said, this man is a worshipper of the sun. Now, and he's gone blind. और मैंने कहा कि ये आदमी सूर्य का उपासक है और अब पूर्ण रूप से अंधा है. I said, now, there's the Mohammedan priest. और मैंने कहा कि यहाँ पर मुसलमान धर्म के मौलवी बैठे हैं. And there's the priest of the Sikhs, Jains, and the different types of religion, Buddha. और यहाँ शिया, जैन, बुद्ध और अन्य धर्मों के पुजारी आदि उपस्थित हैं. Now, this man wants to receive his sight. इस आदमी को आंखों की रोशनी चाहिए. ये चाहता है कि देखने लगे. Now, you would say that he worshipped the creation instead of the creator. अब कहना ना होगा कि इसने सृष्टि के रचयिता की उपासना नहीं करी वरन रचना की यानी सूरज की उपासना करी. I believe that too. But here we sit tonight. हम सब यहाँ आज रात बैठे हैं और ये बात ठीक है. I said, and we've been, today I was entertained in the Jain temple where 17 different religions was there to interview me and every one of them against Christ. Every one. मैंने कहा कि मुझे आज एक जैन मंदिर में ले जाया गया था जहां 17 विभिन्न मतों और धर्मों के लोग जमा थे और वहां मेरा एक इंटरव्यू लिया गया. उनमें से सभी लोग मसीह के विरुद्ध थे. And I said, now, and many of you men was down there. और मैंने उस सभा में कहा कि आप में से कई लोग यहां मौजूद हैं जो वहां थे, मुझे याद है. Now, if Christ is so wrong, then this man wants to be right.
अब अगर आप लोग मसीह को गलत समझते हैं और उसके विरुद्ध हैं, तो ठीक है, मगर ये आदमी इस समय ठीक होना चाहता है और आंखों की ज्योति पाना चाहता है। And surely the God of creation who made the world will be the only one who can give him his sight. और हकीकत में सृष्टि करने वाला परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया, केवल वही इसकी आंखों की ज्योति लौटा सकता है। That's reasonable. और ये बात तर्कसंगत और मानने के योग्य है। And I said, now if any of you people, the Mohammedan here is the leading religion. और मैंने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म इस समय मुसलमान धर्म है। If the Mohammedan priest will come here and give him his sight, then I'll follow Mohammedan. और अगर कोई मौलवी यहाँ आकर इसको आंखों की रोशनी दे सके, तो मैं मुसलमान धर्म अपना लूंगा। Or if the Buddha priest will come give him his sight. या कोई बुद्ध धर्म का पुजारी इसे चंगाई दे सके, इसकी आंखों में रोशनी ला सके। But let the God who made him. क्योंकि कहीं तो परमेश्वर होगा जिसने इसे बनाया है। The God, somebody's God somewhere, because there has to be. We can't have a creation without a creator. कोई ना कोई कहीं तो किसी का खुदा होगा, क्योंकि बिना रचयिता के कोई रचना नहीं हो सकती। And it'll take a creator to create sight in these eyes. और इन आंखों में ज्योति रचना केवल रचयिता ही ला सकता है। He's been blind 20 years from looking at the sun, thinking he'd go to heaven if he did it. इसकी आंखों की ज्योति को बुझे 20 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि ये सूर्य की पूजा करता था और सूर्य की ओर देखकर सोचता रहा कि ये स्वर्ग में जाएगा। A man ignorantly done that. इसने अनजाने में ऐसा किया है। I said, what would you Buddha priest do? आप बुद्ध धर्म के पुजारी गण इस बारे में क्या कर सकते हैं? मैंने कहा। You just change his way of thinking. You say he's wrong. आप अधिक से अधिक इसकी विचारधारा को बदल देंगे और इससे कहेंगे कि ये गलती पर है। They worship their dead ancestors. आप लोग अपने मृत पूर्वजों के उपासक हैं। Now, I said, you'd say he was wrong. और आप यही कहेंगे कि इसने गलत सोचा है। But what would you do? You'd change his way of thinking. लेकिन आप इसके लिए करेंगे क्या? आप बस इसकी विचारधारा बदल डालेंगे। Now, I said, what would the Mohammedan do? Change his way of thinking. और फिर मैंने पूछा, मुसलमान धर्म वालों आप क्या करेंगे? आप भी इसके सोचने के ढंग को बदलवा देंगे? The Sikhs, Jains and so forth, change your way of thinking. शिया लोग, जैन लोग वगैरह वगैरह आप क्या करेंगे? आप भी केवल इसके विचारों को ही बदल पाएंगे। I said, we have the same thing in the United States. मैंने आगे कहा कि हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ऐसा ही है। The Methodists all want to make all the Baptists become Methodists. मेथोडिस्ट वहाँ हैं जो यही चाहते हैं कि सभी बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट बन जाएं। The Pentecostal wants to take all the Methodists and make them Pentecostals. और पेंटेकोस्टल लोग चाहते हैं कि सभी मेथोडिस्ट लोगों को पेंटेकोस्टल बना लें। It's a change of thought. लेकिन ये तो केवल विचारधारा का बदलना होगा। But that's not what we're talking about. लेकिन हम यहाँ इस बाबत बात नहीं कर रहे हैं। We're talking about God the creator. हम यहाँ पर परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो कि सारी सृष्टि का रचने वाला है। Amen. And I said, surely the creator would speak. और मैंने कहा कि निश्चित रूप से सृष्टि का रचयिता उत्तर देगा। I wouldn't have said that if that vision hadn't have been there by no means. और अगर मुझे दर्शन ना मिलता तो मैं वो सब नहीं कहता, कदापि नहीं कहता। Now I said, now if the one that let him be God come give him his sight. और मैंने आगे कहा कि कोई एक जो परमेश्वर है वो आए और इसकी आंखों की ज्योति इसे वापस दे दे। Now, I said, now I challenge any priest or raja. मैं इस समय सभी पुजारियों, मौलवियों, राजाओं को ललकारता हूँ कि कोई भी आए और holy man or any what it might be. और कोई भी तथाकथित पवित्र जन आए, जो भी चाहे वो आए। Come give him his sight and I'll follow your philosophy. You've made a convert. और यहाँ अगर इसकी आंखों को चंगा करे, इसे ज्योति दे और मैं आपके धर्म को ग्रहण करूंगा और मत परिवर्तन कर लूंगा। That is the quietest bunch of people I ever heard. Nobody did it. मेरी इस ललकार से एकदम सन्नाटा छा गया और सभी लोग निश्चल बैठे रह गए। देखिए, कोई भी सामने नहीं आया। I said, what are you so quiet about? और मैंने पूछा, आप इस बाबत इतने खामोश कैसे हो गए? I said, the reason you are is because you can't do it and neither can I. और इसकी वजह यह है कि आप इसे दृष्टि नहीं दे पाएंगे और ना ही मैं ये काम कर सकता हूँ। But the God of heaven who raised up his son Jesus Christ
whose servant we are. लेकिन वो स्वर्गीय परमेश्वर जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को फिर से जी उठाया था तथा जिसके हम सब दास हैं, has just showed me a vision that the man's going to receive his sight. उसी ने मुझे दर्शन में दिखाया है कि ये आदमी अपनी दृष्टि फिर से पाने जा रहा है. I said, now, if that be not so, then you can order me out of India. और मैंने कहा कि अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे अभी हिंदुस्तान को छोड़कर वापस जाने का आदेश दे देना, मैं चला जाऊंगा. But if it is so, every one of you owe your life to Jesus Christ. लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप में से प्रत्येक जन अपना जीवन यीशु मसीह को दे देना. I would like to ask you, how many in here will give your life to Christ if this blind man receives his sight? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मनुष्य अपनी दृष्टि पा जाए तो आप में से कितने लोग मसीह को अपना जीवन अर्पित कर देंगे? You see your priest? Nobody comes up here. आप लोगों ने देखा कि आपके धर्म का कोई भी धर्माध्यक्ष पुजारी यहाँ इसकी दृष्टि लौटाने नहीं आ पाया? Why don't they come if they've told you their religion is so big and so great? जब वो आपको अपने अपने धर्म की बड़ाई करते और उसे बड़ा धर्म बताते हैं तो वो यहाँ क्यों नहीं आ पाए? Why don't somebody come and say something? कोई यहाँ सामने आकर कुछ कहता क्यों नहीं? Nobody come. मेरी ललकार पर कोई भी नहीं आया. I said, then you people out there, if you see this blind man standing here. मैंने कहा कि आप लोग जो दूर पर बाहर की ओर उधर बैठे हैं, इस अंधे आदमी को देख रहे हैं? And up come a doctor to examine his eyes. He shook his head. He said, he's blind. और वहाँ एक डॉक्टर आया और उसने उसकी आँखों का निरीक्षण करके अपने कंधे झटकते हुए कहा कि ये बिल्कुल अंधा है. And so I said, certainly he's blind. और मैंने कहा कि वास्तव में ये आदमी अंधा ही है. But I said, if God gives him his sight, how many of you will serve Jesus Christ? लेकिन परमेश्वर अगर इसकी आँखें ठीक कर दे तो आप में से कितने लोग यीशु मसीह की सेवा करने को तैयार हैं? Just as far as I could see, oceans of black hands. और जहाँ तक मैं देख सकता था, काले काले उठे हुए हाथों का एक समुन्दर सा लहराता दिखाई दिया. Turn to the man and said, Lord Jesus, let it be known that thou art God. उस आदमी की ओर मुड़ते हुए मैंने कहा कि प्रभु यीशु, इस सभा को बता दीजिए कि आप ही महान परमेश्वर हैं. The man grabbed me around the neck. और उसी समय उस आदमी ने मेरी गर्दन के पास से मुझे कसकर पकड़ लिया. And there sat the mayor of Bombay sitting there, grabbed him around the neck, see as good as anybody could. और उसने जोश में वहाँ बैठे बम्बई के मेयर को कसकर पकड़ लिया, उसकी दृष्टि लौटाई थी और किसी अच्छी दृष्टि वाले मनुष्य की तरह से वो देख पा रहा था. What is it? It's actually a power. ये सब क्या है? वास्तव में ये सामर्थ है. Amen. God is God. Amen. And Satan is Satan. परमेश्वर परमेश्वर है और शैतान शैतान. Amen. You don't believe in the devil? When I first got started, I run headlong into him every day. आप ये मत कहिए कि आप शैतान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते. जब मैंने सेवकाई शुरू करी थी तो नित्य प्रति मुझे उसका सामना करना पड़ता था. Don't tell me there's no devil because I know better. मुझे ये मत समझाइए कि शैतान नहीं होता, मैं इस बारे में बेहतर जानता हूँ. Amen. I have to fight with him every day. So I know there is a devil. मुझे पता है कि वो है, क्योंकि मुझे उसके विरुद्ध नित्य लड़ना पड़ता है. And you must be trained when you meet him. आपको उसका सामना करने के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी है. Not trained in psychology, not trained in education, but trained by the Holy Spirit. किसी शिक्षा मनोविज्ञान आदि का प्रशिक्षण नहीं लेना है, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षित होना जरूरी है. God's power in his word to make it manifest. आपको सीखना है कि परमेश्वर की सामर्थ उसके वचन में है और उसे प्रकट करना है. Know your enemy. Oh, what a cruel thing he is. अपने शत्रु को पहचानिए. ओ, वो कितना जालिम है. How I would like to stand here now and lay on to that. मुझे ये कितना भला लगता है कि मैं इस बारे में और अधिक बताऊं. Go back to the Bible. Show your man back there who come face to face with. और पवित्र शास्त्र में से एक उस व्यक्ति के बारे में बताऊं जिसका आमना सामना शैतान से हुआ था. How in the contest
against the enemy. They fortified themselves by the word of God. अनेक लोगों ने किस तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा स्वयं को अपने शत्रु के साथ मुकाबले में सुरक्षित रखा था. Noah had an experience of it. And he knew that God told him he was going to rain. नूह को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था जब परमेश्वर ने कहा था कि वर्षा होने जा रही है. And the contest was on between science and the word of God. और उस समय परमेश्वर के वचन और विज्ञान के मध्य मुकाबला था. Science says it can't happen. God said it will happen. Amen. विज्ञान कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि वर्षा होगी. आमीन. That same thing exists today. आज भी वही बात है. It will happen. वचनानुसार सब कुछ वैसे ही घटित होगा. It does happen. वैसा ही होता है. There is devils. राक्षस और शैतान आज भी हैं. But Jesus casts them out. लेकिन यीशु उन्हें बाहर निकाल देता है. Amen. And he gave his church authority to do so. और वो वैसा ही कर पाने की सामर्थ अपनी कलीसिया को भी देता है. Cast out devils in my name. उसका कहना है कि मेरे नाम से शैतान को निकाल दो. He cast seven devils out of a pretty woman one day. एक दिन उसने एक स्त्री में से सात अशुद्ध आत्माएं निकाली थी. And he said, when the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places. Returning back then, bringing seven other devils with him. और यीशु ने कहा था कि अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलकर सूखे स्थानों में घूमती है और फिर अपने साथ और सात अशुद्ध दुष्ट आत्माओं को लेकर वापस लौट आती है. Now that goes to show that if the man was cleaned off devils, there was something was in him that had gone out. अब इससे हमें इस बात का पता चलता है कि जब उस मनुष्य को अशुद्ध आत्माओं से साफ किया गया तो उसके अंदर कुछ था जो निकाला गया. A devil had gone out. उसमें से शैतान को बाहर निकाला गया था. Now, when the devil moved out, that God gives God an opportunity to move in. जब शैतान वहां से बाहर चला गया तो अब समय आता है कि परमेश्वर उस मनुष्य के अंदर आ सके. Amen. So, and when he goes out, let the Holy Spirit come in. अतः जैसे ही शैतान जाए आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए. Don't just leave it there. स्थान को खाली मत छोड़िए. If you do, just repent of your sins and go on, then you're going to be worse off than ever. अगर आप पश्चाताप करके फिर पाप करना जारी रखते हैं तो आपकी हालत पहले से भी बुरी हो जाएगी. But get that place where Satan once lived and occupied. लेकिन आप यही कीजिए कि जहां कभी शैतान रहता था उस स्थान को खाली मत छोड़िए. Get it filled with the Holy Spirit of God. उसको परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर दीजिए. And then you'll have the strength of God's word in you manifested and cast out devils. तब आपके भीतर परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य आ जाएगी. वचन जीवन प्रकट होगा और आप शैतान को भगा सकेंगे. Contest is on. प्रतिरोध या मुकाबला जारी है. Evening lights are shining. सांझ के समय का उजियारा चमक रहा है. God's Holy Spirit is present. परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है. And now it's just about 3 minutes until the time that the whistles are going to be blowing, and it will be midnight. अब मात्र 2-3 मिनट का समय और बचा है जबकि आधी रात की सीटी बोल उठेगी. Then as we leave this building to go to our different places and our homes. तब जब हम इस भवन से अपने अपने घरों को और अलग अलग स्थानों को जाने के लिए निकलेंगे. And to meet outside and to meet the world. और जब इस दुनिया में और दुनिया के लोगों के मध्य हम जाएं, Let's not go as we have in former times. तो इस बार हम वैसे न रहें जैसे कि हमेशा रहे हैं. Let's go in the power of his resurrection. आज हम जीवते परमेश्वर की सामर्थ में भर कर जाएं. Let's go in the name of Jesus Christ with the banner lifted high.
काश हम इस यीशु मसीह के नाम के झंडे को ऊपर ऊंचा उठाकर जाएं। And with faith in his word, the handle, the two-edged sword. और हमारे अंदर उसके दुधारी तलवार यानी वचन के प्रति विश्वास हो। With the shield and the full armor of God on to meet the enemy. और हमारे पास वचन की ढाल और परमेश्वर के सारे हथियार साथ हों जबकि हम उस शत्रु से मिलें। Because he's getting stronger and more powerful every day. क्योंकि वो शत्रु दिन प्रतिदिन और शक्तिशाली होता जा रहा है। As the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises up a standard against him. क्योंकि जब शत्रु बाढ़ की तरह से सामने आता है तो उसका सामना करने के लिए परमेश्वर का आत्मा भी उससे अधिक शक्ति और सामर्थ्य हमें देता है। If we have come to the end of these things that we अगर हम आज के समय के लिए कही गई सारी बातों को पूरा होते देख रहे हैं and the mysteries of God has been completed with us और परमेश्वर के सारे गुप्त मनोरथ हमारे सामने प्रकट किए गए हैं We are looking for more strength, a rapture and strength. तो अब हमें और अधिक सामर्थ पाने की आशा है कि हम स्वर्ग में उठा लिए जा सकें। शत्रु की दुष्ट शक्ति से कहीं अधिक सामर्थ हमें मिलनी है कि हमारी ये कलीसिया यानी दुल्हन उसकी महिमा में उठाई जा सके। We must have it. हमें हर हाल में वो सामर्थ पानी है। Hey, let's meet 63 with a challenge. We are the servants of the living God. इस नए वर्ष 1963 से हम जीवते परमेश्वर के सेवक बनकर एक चुनौती की तरह से मिले। Hey, I'm like Shadrach, Meshach and Abednego of old. हम पुराने समय के सद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह से विजयी बने। We'll not bow to the devils of this world and take back this thing that what we've talked about, but let's press the battle. इस दुनिया के शैतान के सामने हमें झुकना नहीं है और जो बातचीत हमने अभी करी है उसे भुलाना नहीं है और लड़ाई तेज कर देनी है। Amen. I feel tonight as we're listening for them whistles. जबकि हम नव वर्ष के आगमन के बिगुल सुन रहे हैं तो मुझे आज रात ऐसा अनुभव हो रहा है Something like David did that dreadful hot night when he laid out there under them mulberry bushes and the enemies are routing. जब दाऊद को उस भयानक गर्मी गर्म रात में हुआ था जब वो झाड़ी में लेटा था और शत्रु उसके सिर पर आ पहुंचा था What an hour it must have been for David. दाऊद के लिए वो कैसा विकट समय रहा होगा What a time for him laying there. कैसी दुविधा और मुश्किल समय था जब वो वहां लेटा था He didn't know how to move. He didn't know what to go by. वह उस समय कुछ नहीं कर सकता था कोई भी हरकत करना उसके लिए असंभव था Because he knew he was outnumbered. क्योंकि उसे पता था कि शत्रु संख्या में कहीं अधिक है But all at once he heard the sound of a wind going through the top of the bushes. किंतु सहसा उसने हवा की सनसनाहट सी उस झाड़ी के ऊपर से गुजरती सुनी He knew God went on before him and he went to the battle. तब दाऊद समझ गया कि परमेश्वर उससे पहले उसकी ओर से आगे बढ़ा है और वह मुकाबले के लिए चल पड़ा I feel something like that tonight after last night's message. आज रात कल के सुसमाचार के बाद मैं भी दाऊद की तरह से वैसा ही महसूस कर रहा हूँ I'm laying in the darkest hour. That I ever faced in my life. मैं इतने अधिक कठिन और काले समय में खुद को पाता हूँ जितना जीवन में पहले कभी नहीं पाया I feel like Isaiah at the temple after seeing those angels. मुझे वैसा ही अनुभव होता है जैसा परमेश्वर के मंदिर में यशाया को हुआ था जबकि उसने उन स्वर्गदूतों को देखा I'm a man of unclean lips dwelling among people with unclean lips. उसने कहा था कि वह तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के मध्य में रहता है Listen, I've got to meet it some way. लेकिन सुनिए कि इन बुरी हालातों का मुकाबला तो मुझे करना ही है And the only thing I'm waiting to hear that rushing through the mulberry bushes. और मैं बस उस झाड़ी के ऊपर हवा की सनसनाहट सुनने की आशा कर रहा हूँ To go to meet the enemy wherever it is. God help us to do it.
ताकि जहां भी शत्रु मिले उसका सामना कर सकूं, परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करे। And now I think it's 1 minute until 12 o'clock and 62 with all of its past. Let's let it be past. और अब मैं सोचता हूं कि 12 बजने में एक मिनट का समय बाकी है और 1962 वर्ष को अपने सभी अतीत के साथ अब गुजर जाने दीजिए। Let us stand to our feet now. Hallelujah. Each and every one of us. The context is on. अब हम सभी कृपया खड़े हो जाएं, मुकाबला जारी है। Hallelujah. Each one of you. Paul said, forgetting those things that are in the past. और आप सभी उसमें हैं, पौलुस ने कहा था, जो गुजर चुकी है उन बातों को भूल जाओ। All our mistakes of last year, I press towards the mark of the high calling. पिछले वर्ष की सभी गलतियों को भूलकर परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट के विषय में सोचिए। All my mistakes that I made in all these years, forgive me for them. मुझे मेरी सभी गलतियों के लिए जो मैंने पिछले वर्षों में करी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। God forgive me, church forgive me. परमेश्वर मुझे क्षमा करे, कलीसिया भी मुझे क्षमा करे। And the ministry that I fail with, I feel, God forgive me for it. परमेश्वर आपकी इस सेवकाई के काम को ठीक से ना करने के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। Church, forgive me my mistakes. हे कलीसिया, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर देना। Now press towards the mark of the high calling in Christ Jesus. मैं मसीह यीशु में अपनी बुलाहट को सही सिद्ध करूंगा। Whatever tomorrow holds, I don't know, but I know who holds 1963. कल क्या होगा या नए वर्ष में क्या होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 1963 किसके हाथों में है। Let us raise our hands to God now, and let us pray in our own way. आइए अब हम परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाकर अपने अपने लिए प्रार्थना करें। As we make our confessions and ask God to help us through this next coming year. हम अपने अपराधों को स्वीकार करें और आने वाले वर्ष के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। Heavenly Father, as we stand here, as many thoughts is dying out in our hearts and all the mistakes of last year. हे स्वर्गीय पिता, जबकि हम आपके सम्मुख खड़े हैं और हमारे हृदय में उठते कई बुरे विचार अब मर चुके हैं और हम पिछले वर्ष की गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। And as we are approaching the death of 62 and the birth of 63. और अब जब 1962 को अलविदा कहकर हम 1963 में प्रवेश कर रहे हैं। Oh God, may we be one step higher up the ladder until we can see Jesus and His program. हे परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सिद्धता की सीढ़ी पर एक कदम और आगे रखकर ऊपर चढ़ सकें, ताकि हम यीशु मसीह और उसकी योजना को जान सकें। May everyone here, Lord, in prayer while the old year is dying and the new birth of the new year is coming in. होने दे प्रभु कि जबकि पुराना साल जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। May the old man sin and unbelief die out in our hearts. होने दीजिए कि हमारे पुराने मनुष्यत्व का पाप और अविश्वास भी हमारे हृदयों में मर जाए। And the new birth come in with the 1963 like a rushing mighty wind. और नया वर्ष 1963 हमारे लिए एक प्रचंड हवा के समान नया जन लेकर आए। That might fill our beings and make us new creatures in Christ. जिससे हम मसीह में एक नई सृष्टि बन सकें। Make us fit servants. जिससे हम मसीह में एक नई सृष्टि बन सकें। Forgive our past, bless our future. प्रभु हमें सुयोग्य दास बनाइए, हमारे अतीत को हमें क्षमा करके भविष्य को आशीषित कीजिए। Guide us, O Lord God, with thy mighty hand, Jehovah. हे प्रभु परमेश्वर यहोवा, अपने बलशाली सामर्थी हाथों से हमें संभाल कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। Bless these ministers here. Bless all the laity, all the visitors. सभी सेवकों को, यहाँ की पूरी कलीसिया को, सभी अतिथियों को आशीष दीजिए। Be thou with us, Lord. प्रभु हमारे साथ रहिए। We are your servants and we give ourselves
holy to you for 1963. हम केवल आपके दास हैं और 1963 के लिए हम पूरी तरह से खुद को आपके लिए समर्पित करते हैं. That the power of your spirit might have more preeminence in our lives and in our being. ताकि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ बड़ी आजादी के साथ हमारे जीवनों में व शरीरों में प्रकट हो सके. Help us, God. Forgive us and help us, we pray. हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए और हमारी सहायता कीजिए. Raise up mighty men. Raise up mighty warriors of the faith. हमें विश्वास के बड़े योद्धा और बड़े सामर्थी मनुष्यों के समान तैयार कीजिए. Open this year, Lord, that hidden manna, that rock beneath the rock. प्रभु इस वर्ष में हमारे लिए जो गुप्त मन्ना प्रभु आपने यीशु मसीह रूपी चट्टान के नीचे छिपा रखा है वो हम पर प्रकट कर दीजिए. That we might see the program of God. ताकि हम परमेश्वर आपकी पूरी योजना को समझ सकें. Cap off the pyramids of our life, Lord. हमारे जीवन रूपी पैरामिड के ऊपरी भाग खोलकर हमें अंदर छिपी बातें सिखाइए. Put the capstone Christ Jesus upon each and every one of us. और यीशु मसीह के रूप में ऊपर के पत्थर को हमारे जीवन रूपी पैरामिड पर रखिए. May his great, magnificent, holy blessings be upon us all. होने दीजिए कि उसकी महिमा में आशीषें हम में से प्रत्येक के ऊपर उंडेली जाएं. May the fire of the Holy Ghost come upon us. होने दीजिए कि पवित्र आत्मा की पावन अग्नि हम में से प्रत्येक पर उतर आए. May the power of the resurrection be manifested. आपकी जीवित सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट करी जाए. God, how we thank you for this. आज रात हे परमेश्वर हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं. We are yours. We give ourselves fully to you, Lord. हम आपके हैं और प्रभु हम स्वयं को पूरी तरह से आपको समर्पित करते हैं. I go yonder not knowing where, how, or what I will do. जबकि मैं जीवन में और आगे बढ़ रहा हूँ और नहीं जानता कि कहाँ कैसे जाना है क्या करना है. I'm trusting you, Almighty God, that you'll guide me, your unprofitable servant. मैं पूरी तरह से आप पर भरोसा किए हूँ. मैं आपका निकम्मा दास हूँ. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कीजिए. And I might be used to the honor and the glory of the Almighty. Grant it, Father. कि मेरा उपयोग हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा के लिए किया जा सके. पिता इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए. Receive our prayers. Bless our efforts. हमारी कोशिशों को आशीषित कीजिए और हमारी प्रार्थना ग्रहण कर लीजिए. Heal the sick and the afflicted, both spiritual and physically. बीमार और कमजोर व्यक्तियों को चंगाई दीजिए. उन्हें शारीरिक और आत्मिक चंगाई प्रदान कीजिए. And make us thy servants. हमें अपने सच्चे सेवक बना लीजिए. We are the clay, you are the potter. हम माटी हैं, आप कुम्हार हैं. Mold us each one in your own way, that we might fit together with Christ Jesus as a member of His body. हमें अपनी इच्छा अनुसार ढालिए ताकि हम मसीह की देह का एक भाग बनने योग्य होकर उसमें शामिल हो जाएं. For we ask it in Jesus' name and for His sake and for the gospel's sake. Amen and amen. उसके नाम और सुसमाचार की खातिर हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांग लेते हैं. आमीन और आमीन.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God, and the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast, and move not, thus saith the Lord. Thank you, Father God. हे पिता परमेश्वर, इस अनन्य भाषा और उसके अनुवाद के लिए धन्यवाद. We thank you for this new year exhortation. हम नए वर्ष के इस प्रोत्साहन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं. It sends us out with the hopes. इससे हमारी आशाएं बढ़ी हैं. And with the comfort of knowing that through the speaking of these words to these men who knew not. हमें बड़ी शांति मिली है कि आपने इन व्यक्तियों के द्वारा उस भाषा में बात करी जिसे ये नहीं जानते. That the message is true and you are asking us to stand by it. और इससे साबित हो गया कि ये सुसमाचार सत्य है और आप हमसे कह रहे हैं कि हम इसमें बने रहें. We will do all that we know how, Lord, to stand by you and your word. हम अपनी पूरी समझ और कोशिश से प्रभु आप में और आपके वचन में बने रहेंगे. Receive us in the name of him who taught us all that we should pray like this. हमें उस यीशु के नाम में ग्रहण कर लीजिए जिसने हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए. Thy kingdom come, thine will be done in earth as it is in heaven. तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो. Give us this day our daily bread. हमारी रोज की रोटी हमें बख्श दे. And forgive us of our trespasses as we forgive those that trespass against us. जिस तरह कि हम अपने कसूर करने वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर दे. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है. आमीन. The Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको आशीष दे और बनाए रखे. Now those now that must go to their homes, now it's 5 minutes and 63. अब वो लोग जिनको घर जाना जरूरी है, देखिए कि वर्ष 1963 के 5 मिनट बीत चुके हैं, वो लोग घर जा सकते हैं, वो जाएं. Now may God bless you. प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे. And you that want to stay for communion,
You're just welcome to stay. We'd be glad to have you. वे लोग जो प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं, वो यहीं रुकें। उनका स्वागत है। आपके साथ होने से हमें बड़ी खुशी होगी। It's not a closed communion. It's for every believer that's in fellowship with Christ. ये भोज सभी सीमित लोगों के लिए नहीं है, वरन ये सब के लिए है, सभी उन विश्वासियों के लिए है जो मसीह की सहभागिता में हैं। You're welcome to stay and take the communion with us. आपके रुकने और हमारे साथ प्रभु भोज में सहभागी होने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। And the reason we do this is because this is the first thing we're starting a journey. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि नए वर्ष की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। And Israel, before they started the journey, और इसराइली लोगों ने भी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ये किया था। They killed the lamb and ate the bitter herbs and started their journey. एक मेमने को मार कर उसे कड़वे सागपात के साथ खाया था और तब यात्रा पर निकले थे। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा आज रात करना कितना भला और उचित है। मेमना मारा जा चुका है, पकाया जा चुका है, भोजन तैयार है, फसा तैयार है और आधी रात का समय है। उन्होंने भोजन आधी रात को ही किया था। Amen. So let's you want to stay with us and get ready for the journey to come that lays ahead. We'd be glad to have you. God bless you. अतः हम भी वैसा ही करें। आप में से जो प्रभु भोज को लेने के लिए रुकना चाहते हैं और हमारे साथ वह यात्रा शुरू करने से पूर्व जो हमें करनी है प्रभु भोज में सहभागिता करने के इच्छुक हैं उनका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। And you'd have to go now. They go to your homes. God be with you till I meet you again. Amen. और आप जिन्हें घर जाना है आप कृपया घर जा सकते हैं और जब तक हम आपसे फिर न मिलें परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन। बाकी सभी लोग बैठे रहिए और फिर हम प्रभु भोज लेंगे। बहन आप क्या हो बजा ठीक है श्रीमान। Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet, till we meet, we meet, till we meet, God. Let's sing it again while we're waiting, you know, for those who are going out. आइए इसे हम फिर से गाएं। हम उठकर जाने वाले लोगों के चले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Might get quiet, and this is a very solemn thing. क्योंकि फिर जरा खामोशी हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी पवित्र रस्म है। I'm going to read something out of the scripture here just in a moment. That's very, very, very good. थोड़ी देर में मैं वचन में से कुछ पढ़ूंगा, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा है। And now let's sing again. आइए हम इस गीत को फिर से गाएं। Let's just shake hands with somebody. If there's anything wrong in your life, that person is here. That you've wronged, go to him now and make it up. Until we meet, God. Will the pianist come to the piano, please? Until we meet again. Till we meet.
Hallelujah. He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadows, He careth for you. Let's sing it again. आइए इसे हम फिर से गाएं. He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you. That beautiful. Let's sing it again while they're quieting it. कितनी सुंदर बात है. जबकि लोग बाहर जा रहे हैं, आइए हम इसे एक बार फिर से गाएं. Just close your eyes. For you. He careth for you. Through sunshine or Heavenly Father, we are so glad that we found that true. हे स्वर्गीय पिता, हम बड़े प्रसन्न हैं कि आपका वचन सत्य है. In our darkest hours or through the sunshine, He never leaves nor forsakes. और जीवन के अंधकार में और उजियारे सभी समय में वो हमें कभी नहीं छोड़ता और नहीं भूलता. We're so happy for that that we have. हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें विश्वास दिया है. Our confidence is built up on nothing less than Jesus' blood with righteousness. हमारा भरोसा और आत्मविश्वास यीशु मसीह के लहू और धार्मिकता पर टिका है. We trust, Lord, not in the fame of this world. प्रभु, हम दुनिया के यश पर भरोसा नहीं करते. We trust, we dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. हमें दुनिया की किसी भी सुंदरतम चीज पर भरोसा नहीं है, वरन पूरी रीत से हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं. How we thank thee, Father. आपका इसके लिए कैसे धन्यवाद दें? Now, we are just about to participate in one of the very few natural articles that you left us. अब हम एक उस रस्म में शामिल होने जा रहे हैं जो आपने हमारे मध्य करके हमें उसको करते रहने के लिए कहा था. One of them was baptism. The other was communion. Next was feet washing. उनमें से एक तो बपतिस्मा, दूसरा प्रभु भोज और तीसरा पांव धोना है. Oh God, we just enter in solemnly, knowing that this lamb is a Passover lamb. हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि ये मेमना पसह का मेमना है और बड़ी निष्ठा और पवित्रता से आपके सम्मुख आए हैं. The great wilderness journey lay just ahead of the children. आपके बच्चों के सामने बड़ी दूर का जंगल का सफर बाकी है. The blood must first be put on the lintel of the door before the Paschal lamb could be taken. इससे पहले कि इस मेमने को खाया जाए, द्वार की चौखट पर लहू लगाना जरूरी है. God, examine our hearts now. परमेश्वर, हमारे हृदयों की जांच कीजिए. Is the blood there, Lord? प्रभु, क्या वहां लहू है? If it's not, we pray that you'll apply it just now. अगर वहां नहीं है तो आपसे प्रार्थना है कि आप वहां अपना लहू छिड़क दें. Taking away our sins and covering them. आप अपने लहू से हमारे पाप धो दीजिए. And they'll be divorced from us, Lord, the sins of this world. और इस दुनिया में किए गए हमारे सभी पापों को हमसे जुदा कर दीजिए. That we might be holy and presentable to our Father. ताकि हम पवित्र बनाकर
अपने पिता के सामने लाए जा सके. Now as we come to take the body and the shed blood of our Lamb, God's Son, our Savior. अब जबकि हम अपने मेमने के पावन लहू और उसकी देह में जो कि परमेश्वर का पुत्र और हमारा उद्धार करता है शामिल होने जा रहे हैं. Examine our hearts as we read, Father. आप हमारे हृदयों की जांच कीजिए पिता जबकि हम वचन में से पढ़ते हैं. And then make us thine own. और आप हमें अपना निज भाग बना लीजिए. For we ask it in the name of the Lamb, Jesus Christ. Amen. हम इस प्रार्थना को मेमने के नाम यानी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. In the book of Corinthians, the 11th chapter, I wish to read a few verses. अब मैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ. Beginning with the 23rd verse, I read this. It's Paul speaking to the Corinthian church. 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे. पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया से कुछ कह रहा है. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी. That the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली. And when he had gave thanks, he broke it and said. और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा. Take and eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है. मेरी यादगारी के लिए यही किया करो. At the same manner also he took the cup. इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया. And when he had supped, took the cup. और जब उसने खा लिया तब. But when he had supped, excuse me, let me read it over. क्षमा कीजिएगा मैं फिर से पढ़ता हूँ. After the same manner he also took the cup. And when he had supped, saying. इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा. This cup is the New Testament in my blood. ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है. This do in remembrance, as often as you drink this in remembrance of me. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह व लहू का अपराधी होगा. So let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी तरह से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. For this cause many are sick and weakly among you, many sleep. इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और बहुतेरे रोगी हैं और बहुत से मर भी गए सो भी गए. For if we should judge ourselves, we should not be judged. अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते. But when we are judged, we are chastened of the Lord. परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है. That we should not be condemned with the world. ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. इसीलिए हे मेरे भाइयों जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो. If any man hungry, let him eat at home. अगर कोई भूखा हो तो वो अपने घर में खा ले. That you come not together unto condemnation. जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो. And the rest I will set in order when I come. और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा. As I think of this, the most solemn time. मैं इसको एक अत्यंत पवित्र कार्य मानता हूँ. It's also written that
when this communion was first given out, and feet washing. इसके बारे में ऐसा ही कहा गया था, जब पहली बार ये प्रभु भोज लिया गया और पांव धोए गए. Which we have to omit tonight because we have no water. The waters are all cut off. आज रात पांव धोने की रस्म नहीं हो पाएगी क्योंकि नल बंद हैं और पानी नहीं है. And we didn't even have the restroom facilities tonight. और आज रात हमारे पास इसको करने के लिए कमरे भी उपलब्ध नहीं हैं. Because they just had to splice it together the best they could for us to have this service tonight. क्योंकि इस आज की सभा के लिए उन सभी कमरों का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया है कि हम सब यहाँ इकट्ठा बैठ सकें. But we will do as they did, said I believe Luke stated, as they sang a hymn and went out. मेरा ख्याल है कि शायद लूका ने लिखा है कि वो भजन गाकर वहाँ से यात्रा पर निकले थे और हम भी ऐसा ही करेंगे. But do you know what this represents? Do you know at the beginning when this order was first made in Israel, down in Egypt? किंतु क्या आप जानते हैं कि ये किस बात का प्रतीक है? क्या आपको पता है कि ये भोज इज़राइली लोगों ने मिस्र से निकलने से पहले लिया था? They were on the road to the promised land, and that's what we feel like tonight. वे लोग प्रतिज्ञा किए देश की यात्रा पर निकले थे और आज रात हम भी ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं. That we are on the road to the promised land. हम भी वादा किए देश की यात्रा के पथ पर हैं. And the journey lays ahead of us. हमारी यात्रा अभी बाकी है. And they had a token that when the death angel came by. जब मृत्यु लेकर दूत को वहां आना था तब इजरायली लोगों के लिए एक चिन्ह दिया गया था. That there must be blood on the door or the elder son or the elder child died in the home. और उस चिन्ह के रूप में लहू द्वार पर लगा होना जरूरी था वरना पहलौठे घरों में मार दिए जाने थे. The thought was and the real meaning was first to apply the blood. इसका अभिप्राय और अर्थ सही अर्थ यही था कि पहले लहू वहाँ लगाना था. Did you notice how Paul placed it here? क्या आपने ध्यान दिया कि पौलुस इस बात को किस तरह से यहाँ बता रहा है? If any eat unworthily, he eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. यदि कोई अनुचित रीति से इसमें से खाए पिए और खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने तो वह उससे दंड पाएगा. Which means the same thing, इसका भी वही अर्थ है. That death, spiritual death, rests upon the person that would partake of the Lord's Supper unworthily. यानी जो अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होगा उसकी मृत्यु या आत्मिक मृत्यु हो जाएगी. That would be out drinking and carrying on and living like the world and come to the Lord's table. इसका मतलब है कि प्रभु भोज में शामिल रहते हुए भी शराब इत्यादि पीते हुए तमाम दुनियावी कामों में लिप्त रहना. We shouldn't do that. हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. Now let us cleanse our hearts and cleanse our hands from and our minds from evil thinking. अब हमें अपने हृदयों को हाथों को और मस्तिष्क को बुरे विचारों से साफ करना है. That we might come to the Lord's table reverently and holy. ताकि हम प्रभु की मेज पर निष्ठा भक्ति और पवित्रता के साथ आ सकें. As we know that we are connecting ourselves with our sacrifice, Christ Jesus, who is our only salvation. क्योंकि इस रसम से हम स्वयं को अपने महान बलिदान प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं जो कि हमारा एकमात्र उद्धार है. Now tonight the way we do this is one of the elders stand here, Brother Zabel. और अब आज रात हम इस भोज को इस प्रकार लेंगे कि कोई एक पुराना भाई यानी एल्डर यहाँ खड़े होंगे, भाई ज़ेबल. And I think Brother Zabel tonight, if you'd call from the platform first. ठीक है भाई ज़ेबल, आज आप पहले प्लेटफॉर्म से लोगों को बुलाइएगा. So these people can come from the platform and form your first line here, if you will. ताकि पहले यहाँ ऊपर वालों की पहली कतार बन सके, ठीक है ना भाई? Now, Brother Zabel will direct you in a few moments as soon as we make the blessing upon the communion.
अब जैसे ही हम इस भोज के लिए परमेश्वर से आशीष मांग चुकेंगे भाई ज़ेबल थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। This kosher bread made by Christians, it's unleavened bread. ये रोटी एक मसीही जन ने तैयार करी है और अखमीरी रोटी है। And if you'll notice it when you place it in your mouth, it's very rugged to be bitter. जैसा कि जब आप इसे खाएंगे तब आप महसूस करेंगे कि ये बहुत रूखी और अस्वादी सी है। It's wrinkled and broken, mangled. ये धब्बेदार टूटी फूटी और जर्जर सी हालत में है। That means the broken, mangled body of our Lord Jesus. और इसका मतलब है हमारे प्रभु यीशु की देह जो तोड़ी गई घायल और पूरी तरह से शत विशत देह थी। Oh, when I even think of it, my heart seems to skip a beat. Oh, ये सब सोचकर ही मेरा हृदय रुकने सा लगता है। When I think that he was mingled and bruised and smitten, the innocent Son of God. मैं सोचता हूँ जब कि उसे जो भोला भाला परमेश्वर का पुत्र था किस तरह से सताया गया और किस प्रकार उसकी देह को तोड़ा गया घात किया गया। Do you know why he did that? क्या आप जानते हैं कि उसने ये सब क्यों सहन किया? Because I was guilty. क्योंकि मैं अपराधी था। And he became me a sinner. और वह मेरी जगह स्वयं पापी बन गया। That I by his sacrifice might become likened unto him a son of God. कि उसके बलिदान से मैं भी उसकी तरह परमेश्वर का पुत्र बन सकूं। What a sacrifice! कैसा अद्भुत बलिदान है। Let us bow our heads. आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। Most holy God. Now hold in this little metal charger tonight. परम पवित्र परमेश्वर मैं ये रोटी इस बर्तन में आपके सामने लेकर आया हूँ। This bread that represents the broken, mingled, bruised, smitten body of our Lord. यह रोटी हमारे प्रभु की उस टूटी फूटी घात करी गई सताई और जर्जर बनाई गई देह का प्रतीक है। Where that prophet cried out. जैसा कि भविष्यद्वक्ता वहाँ पुकार रहा था। He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। Oh, how we remember that, Lord. हे प्रभु ये सब हम याद करते हैं कि क्या कुछ न हुआ था। I tie myself to that sacrifice tonight. जबकि आज रात मैं खुद को In this audience, likewise, Lord, to the sacrifice. और इस पूरी सभा के सभी लोगों को हम जब उस बलिदान से जोड़ रहे हैं। May we remember our Lord, his death and his scourging and all that he went through for us. As we take this bread into our mouths. तो प्रभु काश हम अपने प्रभु को और उसकी मृत्यु व दुख उठाने और उन सारी स्थितियों को याद कर सकें जिनसे उसे गुजरना पड़ा था और इस रोटी को मुंह में लेते ही हमें वो सब याद आ जाए। God, we are unworthy people. We are not fit for such a holy thing. परमेश्वर हम तो अयोग्य हैं और इतनी पवित्र रोटी को खाने के योग्य नहीं हैं। So let the Holiness, Lord, Thy presence and Thy blood cleanse our hearts. अतः प्रभु अपनी पवित्रता, अपनी उपस्थिति व अपने लहू के द्वारा हमारे दिलों को साफ कीजिए। And as we receive it, may we purpose in our minds to constantly serve Him day and night, all the days of our life. इसे ग्रहण करने के बाद हमारे मस्तिष्क में जीवन भर दिन और रात लगातार प्रभु की सेवा का ही उद्देश्य रहे। Now sanctify this bread for its intended use. We ask in Jesus' name. Amen. अब इसी उद्देश्य के लिए इस रोटी को पवित्र कीजिए यीशु मसीह के नाम में आमीन। Amen.
And I hold this in my hands as about 33 years of service I have served my Lord, and I'm ashamed of myself. 33 वर्षों की मेरी इस सेवकाई में जो मैंने प्रभु की सेवा करी है, इसी प्रकार प्याले को उठाया है और अपनी अयोग्यता के लिए शर्मिंदा हुआ हूँ। But I think, what would I do if I had 2 literal drops of his blood holding in my hand tonight? What would I do with it? लेकिन मैं सोचता हूँ कि तब क्या होता अगर आज रात मेरे हाथ में उसके वास्तविक लहू की 2 बूंदें होती, मैं उनसे क्या करता? But you know, I've had in my hands tonight, in his sight greater, it's the purchase of his blood, his church. लेकिन आप देखिए कि उसकी दृष्टि में जो चीज इससे भी बड़ी है, जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है, वही यानी उसकी कलीसिया आज रात मेरे हाथों में है। So when I hold this to the juice of these grapes, I think of that. जब मैं इस रोटी को और अंगूरों के इस रस के कटोरे को अपने हाथों में लेता हूँ, तब इसी बात को सोचता हूँ। He said, I will drink the more of the fruit of the vine, till I drink it with you anew in my Father's kingdom. यीशु ने कहा था कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे साथ नया न पीऊं। Then notice, after the war of sin is over, the first thing we do when we strike the other side is take the communion, the Lord's Supper. इसीलिए ध्यान दीजिए कि जब पाप के विरुद्ध ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी, तो उस पार पहुंचकर पहला काम यही होगा कि हम प्रभु भोज लें। Let us bow our heads now while we bless this wine. इस दाखरस पर आशीष मांगने के लिए आइए, हम अपने सरों को झुकाएं। Our heavenly Father, when I think as I hold this wine here that represents the blood of Jesus, हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस दाखरस को अपने हाथ में मैं लिए हूँ, जो कि यीशु के लहू का प्रतीक है। How that through that flowing blood my sins are gone. और सोचता हूँ कि उस बहती लहू की धार ने मेरे पापों को कैसे साफ कर दिया है। They are put in the sea of forgiveness and to be remembered no more. उन पापों को भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया गया है और फिर कभी वो याद नहीं किए जाते। And with this blood, a dying boy one day laid down in the hospital, and you saved me. एक बालक के रूप में जब मैं अस्पताल में मरने पर था, तब इसी लहू से आपने मुझे बचाया था। Oh God, how I thank thee, Lord. हे प्रभु परमेश्वर, आपका किस तरह से धन्यवाद करूं? And then give me the charge by the Holy Spirit to lead the people to Calvary and show them the way home. Thank you, Father. उसके बाद आपने मुझे सेवकाई सौंपी कि पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को कलवरी क्रूस के पास लाकर उनके असली घर का मार्ग उन्हें दिखा सकूं। पिता, आपका धन्यवाद हो। And now sanctify this wine for its intended use. अब इस दाखरस को इसी उचित उद्देश्य के लिए पवित्र कीजिए। And may every person that partakes of this sacrament tonight receive spiritual and physical strength for the journey that lays ahead. और होने दीजिए कि प्रत्येक जन जो इसमें सहभागिता कर रहा है, आज रात शारीरिक और आत्मिक शक्ति सामर्थ पा जाए, ताकि आगे की यात्रा पूरी कर सके। For we ask it in Jesus' name. Amen. क्योंकि ये प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।
to stand here and watch the families come in. That's where it'll be one of these days. यहाँ खड़े होकर परिवारों को प्रभु भोज लेते देख रहा और ये आज कल में किसी दिन यही होने जा रहा है. Family by family, rank by rank, group by group, one by one. परिवार दर परिवार, पद दर पद, समूह दर समूह, एक एक करके लोग आएंगे. When we meet him, what a time it will be. जब हम उससे मिलेंगे तो कैसा अद्भुत समय होगा. When all the human life that's been upon the earth, that's believed in him and trusted him, will meet there that day. जब सभी वह लोग जिन्होंने इस धरती पर उस पर विश्वास किया और भरोसा रखा वे उस दिन उससे मिलेंगे. Won't it be wonderful? क्या वो अद्भुत समय न होगा. Hallelujah. Hallelujah. We have to omit the feet washing tonight because of the water. पानी न होने के कारण हमें आज पांव धोने की रस्म को छोड़ना होगा. We don't have sufficient facilities right now, and they will be fixed pretty soon, we trust. अभी हमारे पास पूरी सुविधाएं नहीं हैं, मगर शीघ्र ही सारे प्रबंध हो जाएंगे. हमें इसका भरोसा है. They're getting along good and working fast on the new tabernacle. नए आराधना भवन का कार्य वे लोग बड़ी अच्छी तरह और तेजी से कर रहे हैं. Somehow, I think that this is very appropriate to have communion on the first of the year like this. This time of day. फिर भी मैं सोचता हूँ कि वर्ष के शुरू में इस प्रकार से प्रभु भोज लेना बहुत उचित बात है, विशेषकर आज के समय में. Now you that's from out of town, drive real careful tomorrow as you go home. May God be with you. अब आप लोग जो बाहर दूसरे शहरों से आए हैं, कल जब आप अपने घरों को लौटें, तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइएगा. परमेश्वर आपके साथ रहे. And you here in the homeland close, God be with you and help you. और आप जो यहीं करीब में रहते हैं, परमेश्वर आपके साथ होगा और आपकी सहायता करेगा. And now, the Lord willing, and I have to leave for this next meeting coming up in Arizona. और अब अगली सभा के लिए अगर प्रभु चाहेगा तो मुझे अरिजोना जाना होगा. And then, if God be willing, I'll be back with you again for the seven seals and just as I have promised. तब अगर प्रभु चाहेगा तो सात मोहरों के भेद ये सुसमाचार प्रचार करने हेतु आपके मध्य में फिर होऊंगा जैसा कि मैंने वादा किया था. I certainly desire your prayers. मुझे वास्तव में आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है. I need you real bad. So don't forget to pray for me. मुझे आपकी सख्त जरूरत है, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करना ना भूलिए. And may everything go well for you. और काश सभी कुछ आपके लिए अच्छा रहे. And I certainly appreciate your attendance and how you've listened to what I have said in the gospel. मैं वास्तव में आपकी बड़ी उपस्थिति और जो वचन मैंने सुनाया है उसके सुनने के लिए आपकी सराहना करता हूँ. I believe that we're making a change now. मुझे विश्वास है कि अब हम नए बनते जा रहे हैं. And thank you for your kindness. और मैं आपकी दयालुता का धन्यवाद देता हूँ. Many of you driving miles and miles to come hear a simple person like myself try to bring the word of God. आप मीलों दूर से चलकर मुझ जैसे साधारण मनुष्य को सुनने आए हैं जो परमेश्वर का वचन सुनाने की कोशिश करता है. I'm sure it was something more than it that you come to listen to besides me. Because I have nothing I could present. मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे अलावा किसी और को सुनने आए हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं. Uneducated, no personality, no nothing about me. मैं अनपढ़ हूँ, कोई अच्छा व्यक्तित्व भी नहीं है मेरे अंदर, कहीं कहीं कुछ नहीं है. And when I see people drive for hundreds and hundreds of miles and stand and wait near 2 o'clock in the morning. तब जब मैं ये देखता हूँ कि लोग सैकड़ों मील दूर से यहाँ आते हैं और खड़े रहकर सुबह के दो बजे तक वचन सुनते हैं. It wasn't for nothing that I had. It's Christ. तो ये मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मसीह है. I'm so glad you love him. मैं खुश हूँ कि आप उससे प्रेम करते हैं. I love him too.
मैं भी उससे प्रेम करता हूँ. Together we love him. हम सब मिलकर उससे प्यार करते हैं. And because we love him, we'll never have to part. और चूंकि हम उससे प्यार करते हैं, हम कभी जुदा ना होंगे. We may separate for a little bit here on as time goes on, but we'll be together again. जब समय आता है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ हम एक दूसरे से जुदा भले ही हो जाते हों, परंतु हम फिर से एक साथ होंगे. It's been my ambition is to try to lead people to that place. मेरी यही इच्छा रही है कि लोगों को उसी स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूं. And now, beginning the new year, I want to say not happy new year to you. अब नए वर्ष की शुरुआत करते हुए मैं आपसे नव वर्ष मुबारक हो नहीं कहना चाहता. I want to say this to you. God bless you. मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे. And if he does that, that's all you'll have need of for the coming year. And I trust that he will. और अगर वो ऐसा करता है तो इस नए वर्ष में हमें बस इतनी इसी बात की जरूरत है और मुझे भरोसा है कि वो ऐसा ही करेगा. And I'm by his grace, we'll try this next year. He shall spare me, spare you. और उसके अनुग्रह से हम इस नए वर्ष में पहले से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे अगर वो हमें यहाँ जीवित रहने का अवसर देगा. By his grace, I hope I am a better pastor next year than I have been this year. मुझे उम्मीद है कि उसके अनुग्रह से मैं इस नए साल में गुजरे साल से बेहतर सेवक बनकर रहूंगा. Hope I'll be a better servant to Christ. मुझे आशा है कि मैं मसीह का अच्छा दास बन पाऊंगा. I'll try hard to try to live closer, more truer, to bring the message just as he gives me. मैं अत्यंत परिश्रम करूंगा कि जो वचन वो मुझे देता है उसको आप तक पहुंचाने में पहले से अधिक सच्चा और अधिक निकटता से उस पर चलने वाला बन सकूंगा. I shall bring it to you the best that I can, withhold nothing that he would want me to give you. मैं वो सब जो परमेश्वर मुझे देगा उसे आप तक अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ पहुंचा सकूंगा और कुछ भी बचा न रखूंगा. I'll do all that I know how. जो कुछ वो मुझे समझ देगा मैं वही सब करूंगा. And I know you feel the same way. मैं जानता हूं कि आप भी यही महसूस कर रहे हैं. You feel like it, we all want to work together now. आप भी यही सब सोच रहे हैं और हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे. For the evening lights are certainly getting dim and the sun's far setting. क्योंकि वास्तव में सांझ के समय का प्रकाश अब धूमिल हो चला है और सूरज दूर पर डूब रहा है. The earth's cooling off, we know that. धरती सर्द होती जा रही है ये हम जानते हैं. Spiritually speaking, the church is cooling off and the revival is over. आत्मिक रीति से कह रहा हूँ कि गिरजों में बेदारी ठंडी पड़ती जा रही है. We don't know what comes next, but we will trust God for that, whatever it is. हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा परंतु जो कुछ भी हो हमें परमेश्वर पर भरोसा है. Now, as we sometimes, और जैसा कि हम कभी कभी, I want you to remember that the tabernacle here has one of the grandest pastures there is in the world. मैं चाहता हूँ कि आप ये याद रखिए कि इस आराधनालय में आपके साथ दुनिया के सबसे शानदार पास्टर भाई हैं. Brother Armin Neville, a godly man, a good man. भाई आर्मन नेवल के रूप में एक बढ़िया धार्मिक भले मनुष्य है. And my absence, Brother Neville's in full charge, just like I would be here. मेरी गैर मौजूदगी में भाई नेवल यहाँ के पूरी रीति से इंचार्ज रहेंगे वैसे ही जैसे मैं खुद यहाँ हूँ. Trustees, deacons and so forth remain in their offices just as they do. Trustees, deacons और सभी अपना अपना काम करते रहेंगे. This is our headquarters. ये आराधना भवन हमारा प्रधान केंद्र है. This is where we're stationed right here. यहीं पर हम रहकर सभी सेवकाई का काम करते हैं. Billy Paul will not be with me out there, only just for the meeting. He'll be coming back here. Billy Paul मेरे साथ वहाँ बाहर रहेगा नहीं और वो वहाँ की सभा समाप्ति के बाद वापस लौट आएगा. The business and all is operated right on here just the same. यहाँ का सभी कार्य वैसे ही चलते रहना है. Just going out there, that doesn't mean that I'm leaving you. मेरे यहाँ से बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ. I'm just going, you understand, it's just a vision, I don't know what it means. मैं इसलिए जा रहा हूँ कि एक दर्शन में मुझे यही कहा गया है. उसका क्या अर्थ है मुझे नहीं पता. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना. I trust and do believe that it'll be for the betterment of the whole church.
मैं भरोसा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि सब कुछ कलीसिया की बेहतरी के लिए ही है. Now I know it will be better for all of us if we follow the leadings of the Lord. मैं जानता हूँ कि इससे हम सभी की भलाई होगी अगर हम प्रभु के चलाए चलते रहें. That's all we know how to do. हम बस इतना ही कर सकते हैं. It's not easy for me. I remember once before I had to walk away from the church here. मेरे लिए आप लोगों को छोड़कर जाना मुश्किल लगता है. मुझे याद है कि पहले भी एक बार आपसे दूर जाना पड़ा था. Some of the old timers remember that. आप में से जो पुराने भाई हैं उन्हें उस समय का पता है जब मैं यहाँ से गया था. How I just couldn't do it. किस प्रकार मुझे यहाँ से जाना बुरा लगता है. I love people. मुझे आप लोगों से प्रेम है. When I was a little boy, I wasn't loved. Nobody cared for me when I was a kid. जब मैं बालक था तो मुझे कोई प्यार न करता था क्योंकि कोई मेरी फिक्र नहीं करता था. When I found out somebody loved me, I don't want to die for them. और उस समय जब कोई मुझे प्रेम देता था तो मैं उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता था. And I, because somebody loves you, somebody cares. और ये इसलिए था कि कोई आपको प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है. I was climbing one time on a post. एक बार मैं देवदार के एक पेड़ पर चढ़ रहा था. And my hook slipped out. On a old cedar post, and the knot was up high. और पेड़ का गुद्दा काफी ऊंचाई पर था कि मेरी रस्सी का कुंदा ऊपर से फिसल कर अपने स्थान से निकल गया. I hit it with my spur and turned around, fell about 15 feet and caught on my arm. मैंने उसे काटने के लिए चोट करी थी कि हुक निकल गया और मैं चक्कर खाता हुआ लगभग 15 फुट नीचे गिर पड़ा और बाजू में बड़ी चोट लग गई. A lady screamed. She kind of patted herself like that. एक महिला ये देखकर चीख उठी और उसने इस प्रकार से मुझे उठाकर संभाला और दुलार किया. I always liked that lady. She cared. उसकी देखभाल और स्नेह मुझे बहुत अच्छा लगा. She's somebody who cared. वह कोई थी जिसने मेरी परवाह करी थी. And I always thought anybody who cared for me, I love them. और मैंने हमेशा यही सोचा है कि जो कोई मेरी फिक्र करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ. And here some time ago, I was downtown. I was thinking of days it used to be. और कुछ समय पहले जब मैं इस शहर से बाहर रहता था तो उन दिनों को याद करता हूँ कि वो कैसे दयनीय दिन थे. What God has done for me, and I certainly appreciate. और परमेश्वर ने मेरी कैसी सहायता करी इसका मैं कृतज्ञ हूँ. I thank you for your love and fellowship. मैं आपके प्यार और सहभागिता के लिए धन्यवाद देता हूँ. I would never try to lead you wrong. मैं कभी भी आपको गलत राह नहीं दिखाऊंगा. It'll always be the right way, the best of my knowledge. मेरी समझ भर वो सत्य और ठीक पथ ही होगा. You take me record. I've never said anything about myself. It's always been Jesus Christ. Amen. और आप मेरे कहे वचन की जांच करके देख लीजिए कि मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा और यही बताया है कि यीशु मसीह का ये वचन है. ठीक है ना? Try to stay as close to His word as I know how to stay to lead you and guide you to this place. मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि परमेश्वर के वचन को निकटता से थामे रहूं और अपनी जानकारी भर आपका मार्गदर्शन करके यहाँ तक ले आऊं. I commit you now in the hands of Brother Neville. और अब मैं आपको भाई नेविल को सौंपता हूँ. First in the hands of God, then in the hand care of Brother Neville. पहले परमेश्वर के हाथों में और फिर भाई नेविल के संरक्षण में सौंप रहा हूँ. So, pastor the church and to watch over the heritage. Until I can have this meeting and get back to you again. ताकि भाई नेविल सेवकाई संभालें और कलीसिया की इस संपत्ति की देखभाल तब तक करते रहें जब तक कि मैं वापस आकर इस सभा को लूं. Trusting by that time I can bring you a great revelation from God that'll thrill our heart and glorify the Church of God. मुझे विश्वास है कि जब तक मैं आपके लिए परमेश्वर से ऐसा बड़ा प्रकाशन पा लूंगा जिसे सुनकर प्रत्येक दिल रोमांचित हो उठेगा और परमेश्वर की इस कलीसिया को महिमा मिलेगी. We usually take communion. हम अक्सर प्रभु भोज लेते रहे हैं. I don't want to say no more. You know how I feel. इस बाबत मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद मुझे कैसा महसूस होता है. I think the song that we should sing right now, My Faith Looks Up to Thee, Thou Lamb of Calvary. और मैं सोचता हूँ कि ठीक इस समय हम ये गीत गाएंगे, My faith looks up to thee, thou lamb of Calvary, ए क्रूस के मेमने, तेरे लहू की ओर मैं दृष्टि किया हूँ और मेरा विश्वास तुझ पर है. While we stand singing, let's shake hands with each other and say God bless you.
और जब हम ये गीत गा रहे हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाकर यही कहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। My faith looks up to thee. Raise your hands to him. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Sing till we meet again. Everybody now, Jim. Till we meet. Till we meet. Till we meet. At Jesus' feet. Till we meet. Till we meet. आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। भाई नेवल, आप प्रार्थना करके लोगों को विदा करें। परमेश्वर आपको आशीष देवे।